और अब आपके बीच में ग्रेटर नोएडा की एक सबसे बड़ी पिन स्टार एमराल्ड अचीवर, आने वाले समय के बहुत जल्दी रूबी पे जाने वाले हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है, 2023 में इतिहास रचने वाला है। मिलना चाहते हो? एक ऐसे फौजी जो फौज में भी रियल में फौजी थे और आरसीएम के फौजी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं बुलाने जा रहा हूँ स्टार एमराल्ड प्रवीण नागर जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। ताली जोरदार होनी चाहिए, ताली यस। दोस्तों, ये बिजनेस पावर ऑफ डिसीजन का है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आने के बाद काम नहीं करते, लेकिन प्रवीण जी हमारे पास एक एग्जांपल है। अगले 5 मिनट इनकी स्टोरी सुनिए और उसके बाद हम राकेश शर्मा जी को बुलाने वाले हैं। तैयार है? Yes! तो आपकी जोरदार तालियां, मैं 5 मिनट के लिए माइक दे रहा हूं सर। सभी साथियों को नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण नागर है और मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूं। आरसीएम से पहले इंडियन आर्मी में था। आज से कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे आरसीएम के बारे में बताया और एक दोस्त को उबलाइज करने के लिए मैंने आरसीएम शुरू किया। पोस्टिंग थी अमृतसर पंजाब। हम सबके पास, हम फौजियों के पास एक कैंटीन फैसिलिटी होती है, होती है जी। हम कैंटीन से सामान खरीदते थे, 32-40% की छूट डिस्काउंट पहले से मिलता था। जब आरसीएम का सामान खरीदा तो एक सवाल था कि हम इसको क्यों खरीदें, और खरीदे तो ठीक है, बार बार क्यों खरीदे। हेलो, एक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, इसी तरह का एक प्रोग्राम था। मेरी अपलाइन के द्वारा अमृतसर में ही एक प्रोग्राम को प्रमोट किया गया और उस प्रोग्राम में मैं सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था। एक जगह थी आर्ट गैलरी, मुझे आज भी वो जगह याद है अमृतसर की। और उस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट थे, आज के बहुत शानदार, मैं उनको बहुत लाइक करता हूं, उनकी बातें, माननीय श्री प्रमोद गुलाटी जी। और प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा था, बार बार ये बोल रहे थे अब वो सर आने वाले हैं, आपको भी लग रहा होगा जल्दी बुलाओ राकेश सर को, अब वो आने वाले हैं। इंतजार बहुत हुआ और संडे को साहब हम फौजी सिनेमा देखने जाते थे, घूमने जाते थे, और मैं अकेला फौजी था जो आउट पास लेके आरसीएम का सेमिनार देखने आया था। और उस दिन एक बात समझ आई, अभी सर कह रहे थे कि राकेश सर का नाम सुना आप है, तो मैंने प्रमोद सर की स्टोरी में राकेश सर का नाम सुना था कि प्रिंसिपल को समझाने आए थे, मैं समझ गया। सर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ के मैं बोर हो रहा था, लेकिन जब प्रमोद गुलाटी जी की एंट्री होती है, उनके ऊपर फूल, गुलाब के फूलों की जो बारिश हुई, जो सम्मान हुआ, मैं एक बात सोच रहा था, यार इस आदमी ने ऐसा क्या कर दिया। हेलो, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं फिट हो सकता हूं इसमें। स्टेज पे बहुत सारे लोग थे जो मजदूर थे, बहुत सारे लोग थे जो जॉब में थे, बहुत सारे लोग थे जो दुकानदार थे। मैंने अपने आप को इनमें कहीं सेट कर लिया था कि जब ये कर सकते तो मैं भी। डिसीजन लिया कि बिजनेस को शुरू करना है। मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे बिजनेस कोच मान्य श्री सुनील शर्मा जी के लिए जोरदार वाली तालियां चाहिए। मेरे हिसाब से ये तालियां उनके लिए कम है साहब। उन्होंने एक फौजी को बिजनेसमैन बना दिया, बहुत बड़ी बात है। उनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना शुरू किया, धीरे धीरे सारी चीजें हुई, छुट्टी आए। मैं कैसे फैमिली से हूँ, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे, मेरे ताऊ जी आर्मी में थे, मेरे चाचा जी आर्मी में थे, मुझे लगा के 19 फौजी हैं। और जब मैंने परिवार वालों को बोला कि मैंने एक ऐसा काम शुरू कर लिया है, अब हम घर का सामान कैंटीन को छोड़ के किसी प्राइवेट कंपनी की दुकान से लेके आएंगे, तो उन्होंने बोला था ये लड़का हो गया पागल। उन्होंने बोला छुट्टी कितने दिन की आया भाई,
मैंने बोला एक महीने की, बोलो काट और चुपचाप निकल। पर मैं चुपचाप निकलने के लिए नहीं आया था, मैं उस एक महीने में अपने सारे रिश्तेदारों के पास गया। पर गजब की बात क्या है, एक भी रिश्तेदार ने ये नहीं बोला कि हम तेरे साथ शुरू करना चाहते हैं। लगातार 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 चलते रहना। आप किसे, बहुत सारे लोग मना करेंगे सर, और एक ही कहावत है, मुश्किल काम है अर्चन, मुश्किल है क्या? लोगों की ना सुनना बहुत मुश्किल है। पर एक कोटेशन याद रखना हमेशा, जिंदगी में अगर आसान काम करने की आपको आदत है तो आपकी जिंदगी मुश्किल बनती जाएगी। अगर आपने ये, अगर आप मानते हैं आरसीएम मुश्किल है, इस काम को करने की आदत डाल ली तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। और उसका ये नतीजा रहा, उसका ये नतीजा रहा, लेवल्स बाई प्रोडक्ट है, आप काम करते जाइए सर। पैसा मोटिवेट करता है। हमने एक व्यक्ति को सुना था जो बोल रहे थे लाखों महीने के आते हैं, हमें लगा इसने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे। आरसीएम शुरू करने से अधिक और लोगों की जिंदगी बदलने से अधिक मुझे ये बताइए कौन सा इस दुनिया का पुण्य कर्म है, आप एक बात बता दो। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जब तक आए तब तक तो घरवाले बोल रहे थे इतने तो नौकरी से ही आते थे, कोई अलग से कुछ हो नहीं गया। लेकिन आरसीएम से जो हाईएस्ट इनकम आई वो थी 2,76,000 रुपए एक महीने। टोटल इनकम लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा इस फौजी के घर में आ चुकी है। देना चाहते हैं आप भी? आप एक पड़ोसी की दुकान को नहीं बदल पा रहे, मैंने कैंटीन बदली थी इसलिए मुझे आई है। बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। और उसको बदलने के लिए भी अगर किसी पड़ोसी से पूछते हो तो भाई साहब दुनिया का कोई आदमी भगवान भी उतर के आ जाए तो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, क्योंकि आप तो दुकान ही नहीं बदल पा रहे, जिंदगी कहां से बदलेगी भाई। बदलना चाहते हैं? मैंने राकेश सर को बहुत बार सुना है, लोग कह रहे थे गर्मी में, मैं सच बता रहा हूं आपको, हम लोग बहुत सर्दी में पोस्टिंग रहते हैं, -18 डिग्री, -25 डिग्री, जैसलमेर में 60 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग रहते हैं। जब मैं सेमिनार में आता था तो पसीने जब आते थे ना तो एक ही बात सोचता था, बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, मर नहीं जाऊंगा, 3 घंटे में मर थोड़े ले जाएंगे। पॉजिटिव आदमी हर हाल में पॉजिटिव होता है। हेलो और दुनिया में अगर पॉजिटिव रहोगे आप दुनिया का नंबर वन अचीवर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, आज बहुत कुछ सीखेंगे, मैं एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूं लेकिन रोकनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हिंद। समझ आ रहा है आरसीएम? तैयार है सुनने के लिए सर को? देखिए आरसीएम बिजनेस में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसकी ड्रीम पिन होती है रॉयल्टी। यदि आपने एथिकल तरीके से रॉयल्टी ले ली है तो ये समझ लो आपकी अगली पीढ़ी में ये बिजनेस जाने वाला है।